She wants to be a student. मैं बोला मैं यहाँ पर आकर patient होता हूँ. कहते मैं heal तो होऊंगा. It's awareness बहुत बहुत important है. जैसे अभी doctor साहब ने बताया कि किस तरह से awareness होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो बहुत बहुत important है. मेरे को मुझे जैसे मैं कोई दवाइयाँ miss कर दूँ मुझे पता चलता है मेरी body अगर crave करती है sugar के लिए. लेकिन doctor किसी ने एक डॉक्टर ने कहा था मुझे कि रात को अगर आपको क्रेविंग हुई तो थोड़ी थोड़ी स्वीट्स खा लेना. लेकिन मैं वो ज्यादा ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि डबल 100 बनाता हूँ ना, इसलिए डबल खाता हूँ. लेकिन बट आई एम टेलिंग यू आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल आई कैन से इट्स गुड हेल्थ. यू नो फॉलो व्हाटएवर द रूल्स आर इट वाज गिवन हियर एंड शोन टू यू ऑल. Live a healthy life. It's very important. Don't make it too short. तो उसके लिए मैं एक शुभानी को थोड़ा टेंशन देता हूँ. मैं भी गाऊंगा भाई. कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा. भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा. रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा Thank you. Every time I come here, I also want to be a student and learn more. That's how wonderful the feel of honor is. So thank you very much and have a very healthy year ahead. Thank you. I'm a cricketer. How old are you? Can you please unlock it? I'll also on the stage, sir. Yes. Ah, I give you a word. I'm sure. Can we have some? We'll be in the middle. Thank you. कौन सा रूम खाली है सर, बताइए ना, आज कैसा लगा आपको अदर सॉन्ग का सुनने में? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया. और इनफैक्ट जनरल नॉलेज बढ़ गया और इससे अवेयरनेस, ये सब जो बीमारियां होती है हमें और स्पेशली डायबिटीज़. सर मैंने कहा कि मैं भी खुद एक डायबिटीज़ हूँ
लेकिन ये जो जिस तरह का आज प्रोजेक्शन बताया गया, क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इससे बहुत बहुत कुछ लोगों को भी, लेकिन लोगों तक पहुंचना चाहिए. लोगों को, लोग बहुत इजी ले लेते हैं. यार मुझे डायबिटीज़ हुए, कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, मेरे को तो ये जिस तरह से आज बताया गया, और मेरे हिसाब से अवेयरनेस हर एक घर में होना चाहिए. मैं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा. तो मैं इतना ही कहूँगा, मेरे को पता है, मुझे पता है क्या करना है. मुझे डायबिटीज़ होने के बावजूद इतना, जैसे मैंने कहा कि हार्ट अटैक भी आया था, तो मैं अभी और वो प्रिकॉशन लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह के कहा अभी कहा जाए, डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर का जहाँ कम खाओ, लेकिन कभी कभी जाते हैं बाहर खाने, मज़ा आता है. वन डे चीट यू कैन डू इट. लेकिन मेरा इतना ही मोटो है कि जब तक मैं कहूँगा कि जाने तो जहाँ है, मैं नहीं कहूँगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट इन, आई वॉन्ट माई डायबिटीज़, मेरा डायबिटीज़ पूरा क्योर होने के लिए. मुझे पता नहीं कि पूरा क्योर होता है या कि कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरे सेंटर में महीना जी से जरूर आऊँगा. कैसा लग रहा है आपको महीना जी? नो, वी आर हैप्पी दैट वी हैव सो मच सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट होम्योपैथी नीड्स. वी नीड मोर अवेयरनेस. वी वॉन्ट पीपल टू नो वॉट स्कोप इट हैज़, to what extent it can help you. So that's the whole idea. Thank you. एक ऐसा होम्योपैथी सेंटर अकेडमी जिसका नाम है मदर्स होम, नाम में एक यूनिक प्लेस है, तो इसका लॉन्च है, तो इसके बारे में क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी वन सेकंड. अदर्स होम अकेडमी का 5 साल हो गया और आज आपको कैसा लग रहा है कि आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी दी अदर्स होम क्लिनिक को. इसे कहा जाता है टेम्पल ऑफ हीलिंग. तो ये एक इंसान को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने में इतनी मदद करते हैं कि हीलिंग माइंड बॉडी सोल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं. तो एक कम्प्लीट लाइफ स्टाइल एक नई मिल जाती है और बहुत ही सुंदर जीवन हम अनुभव करते हैं. यहाँ के सभी डॉक्टर्स से मिलके उनके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उनसे हम सभी को हील होने में, अपनी कितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है. तो डॉक्टर मेघना से मैं कहना चाहूँगी कि वो हमें बताए कि किस तरीके से, क्या टेक्निक है जो अपने पेशेंट्स को इतना कंपैशन और कंसर्न के साथ ये हील करते हैं. मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ आकर. मैं 2 साल से जानती हूँ यहाँ के डॉक्टर्स को और डॉक्टर शंकर से मिल चुकी हूँ. मेघना जी, आपको कैसे लग रहा है? ग्रेसी जी साथ. ग्रेसी एज अ पर्सन शी इज़ अ वेरी वेरी वॉर्म. शी more than warm, I think she has such a positive energy within her, which and a certain trust that when she comes here, she comes with the trust that no, she will be better. So for homeopathy especially, when patients come, they should have the trust in the system and in the doctors ki hum yahan pe aaye hain, to for sure hamara takleef theek hoga. So that's very important. The patients kaise? She is so lovely and she comes here, you know, she is more like family now. In fact, हमारे 5 साल हो रहे तो we've invited her. She is one of our very very special guest. क्योंकि वो हम in house कर रहे हैं for very few selected people, so she is like part of the other some family. आमतौर पर किसी भी hospital या medical में जाते हैं patient के पसीने छूटते हैं, लेकिन इस तरह का जो homeopathy center है वो कितना खास हो जाता है जब बहुत ही स्पेशल है. क्योंकि मुझे भी हमेशा से डॉक्टर का नाम सुनते ही डर लगता था पहले से, और कभी भी मैंने एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली. बहुत अगर इमरजेंसी हो तो कभी 1-2 बार शायद ली होगी, मुझे याद नहीं है. लेकिन ये लेने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं. कितनी भी प्रॉब्लम हो, ट्रीट करने का सिर्फ तरीका है कि मीठी गोलियाँ. किसको नहीं पसंद होती स्वीट पिल्स, और उससे पेशेंट्स को कितने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं. ये एक मिरेकल जैसा लगता है कि होम्योपैथी क्या कर सकती है. क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ एक नया सीखने को मिला है कि जहाँ पे एलोपैथी ख़त्म होती है वहाँ से होम्योपैथी शुरू होती है. इतनी पावरफुल मेडिसिन है ये. तो आज मुझे लगता है हमारे फ्यूचर के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सिस्टम है होम्योपैथी और होलिस्टिक हीलिंग. आखिर में आज मदर डे कुछ मैसेज.